नमस्कार आदाब प्रणाम, आप देख रहे हैं सीडी एक्सप्रेस लाइव। मैं दोनों नाथ, जैसा कि 22 प्रखंड में इस समय 10 पॉइंट पे दुर्गा पूजा की प्रतिमा लगाई गई है, भव्य पंडाल लगाया गया था। 10 पॉइंट में एक पॉइंट है गांगर पंचायत के शर्मा टोली में, जहां पर आप पीछे देख रहे हैं, और यहां पर किस तरह से क्या व्यवस्था की गई है। तमाम जो है क्षेत्र के जन प्रतिनिधि भी पहुंचते हैं और प्रशासन काफी सक्रिय है। इस प्रखंड में लगातार जो है हर साल दुर्गा पूजा आयोजित की जाती है, जिसमें क्षेत्र के जितने भी पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट्स पे जो है प्रशासन की कड़ी निगरानी रहती है, सीसी कैमरा रहता है और डीजे पर पट्टीबंध रहती है, लेकिन थोड़ी बहुत जो आवश्यकता होती है उनको लेकर थोड़ी बहुत बजाई जाती है। और हालांकि पूरे 22 प्रखंड में इस समय 10 पॉइंट है दुर्गा पूजा को लेकर जो लाइसेंस धारी है, हालांकि कई पॉइंट्स और भी बने हैं, लेकिन 10 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर लाइसेंस इशू की गई है। उसमें से एक भव्य पंडाल ये भी है जहां पर जो प्रतिमा लगाई गई है दुर्गा माँ की, और वो आज आखिरी दिन है, इसके बाद विसर्जन की प्रक्रिया होगी। हमारे साथ यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, और कमेटी के कई सदस्य हैं, हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या क्या सुविधा है, प्रशासन किस तरह से अपना ड्यूटी निभा रही है और क्या कुछ नया इस बार देखने को मिला। तमाम जानकारी आपको हम देते रहेंगे इस वीडियो के साथ। तमाम 22 प्रखंड में जो दुर्गा पूजा आयोजित की जाती है, जिसमें से आपका भी पॉइंट जो है रजिस्टर्ड किया हुआ, क्या कुछ संदेश मिलती है इनसे और प्रशासन की किस तरह से निगरानी रहती है? प्रशासन की सब व्यवस्था हम लोग के यहाँ कमेटी के जितने भी मेंबर है हम लोग के सहयोग में है, और हम लोग कमेटी के जितने भी मेंबर है हम लोग सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, ये हर साल यहाँ से तकरीबन जो है एक शांति का पैगाम जाता है, इस साल क्या कुछ नया देखने को मिला यहाँ से? नहीं, इस बार भी कोई ऐसा नया त्यौहार नहीं, जैसे हम लोग हर भारती की इस भारती मना रहे हैं पूजा, और वही मनाते आते हैं, शांतिपूर्वक पूजा हो रहा है, कोई ऐसा बात नहीं है। विसर्जन कब होगी? विसर्जन कल रविवार को 10 बजे के बाद करेंगे। हमें विसर्जन में क्या कुछ सुविधा दी गई है, कितने दूर तक का सफर? विसर्जन में मेरे यहाँ कोई झोर झमेला नहीं है, हम लोग विसर्जन मंदिर के विषय में हम लोग कोई कुछ नहीं करते हैं, विषय में बस मंदिर से निकलना। कितनी दूरी करते हैं? बस 50 मीटर, 50 फीट बोलिए। कितने सालों से यहाँ पे आप लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं? अपने उम्र से हम देखते कि आते हुए कि दुर्गा पूजा हो रहा है, हम अपने उम्र से बोल रहे हैं, इससे पहले जो जितने भी बुरुज है इससे आगे तो हम नहीं कर पाएंगे, मगर हम अपने उम्र से देखते हैं कि दुर्गा पूजा मेरे यहाँ होता है, और जब से यह शासन है दुर्गा पूजा करते हैं और करेंगे। क्या कुछ संदेश है देशवासियों के लिए? देशवासी के ये है कि माँ दुर्गा के लिए हम लोग समाज मिलजुल के कर रहे हैं, है? और अच्छी संदेश है कि हम लोग कुछ नहीं करते। क्या एड्रेस है आपका, कहाँ पे ये दुर्गा पंडाल लगा? वार्ड सदर, वार्ड नंबर 9, डांगर पंचायत, 22 पूर्णिया, और मेरा कोषाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, कार्यकर्ता, पूरे मेरा कमेटी है, पूजा कमेटी के जो करते हैं राजेश शर्मा, थोड़ा बहुत सुरेंद्र शर्मा जी से सुनेंगे। आपका सुरेंद्र शर्मा। अच्छा, ये बताइए गांगर पंचायत में कितने सालों से जो है दुर्गा पूजा आयोजित की जाती है? अभी कम से कम मेरा उम्र तो बहुत 60 पार कर दिया होगा, पूर्वजों से आ रहा था, हम पता नहीं कब से हुआ था। अपने उम्र में आप यहाँ से देख रहे हैं, तब से लेकर अब तक क्या बदलाव हुई है? बदलाव पहले तो एक गांव जो था बहुत छोटा गांव था, अभी भी छोटे हैं, और जो भी होता है पूजा जो है अच्छे होता है, प्रशासन भी हम लोग का साथ अच्छा देता है, अच्छे देता है। इस तरह से भव्य तरीके से आप दुर्गा पूजा मनाते हैं, लोगों का किस तरह से सहयोग रहता है, नौजवानों का किस तरह से सहयोग? बहुत अच्छा रहता है, किसी प्रकार की कोई नहीं, कोई नहीं। कौन सा ये वार्ड नंबर है? 9 नंबर। पंचायत गांगर। प्रखंड 22